हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी। तो कैसे हो आप सब लोग? आज मैं बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी लेके आई हूँ, दलिया की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी भी लगती है और हेल्दी तो है ही। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी टाइम भी आप खा सकते हो, बिकॉज ये लाइट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है और ये बच्चे भी इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो अब ज़्यादा फर्दर बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इन केस यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल देन थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो वेजिटेबल दलिया बनाने के लिए लेना है एक स्मॉल कटोरी दलिया, वन मीडियम साइज प्याज, टू टोमेटोस, तीन हरी मिर्च। तो अब इन सभी को हम चॉप कर लेंगे। वन टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट एंड थोड़ी सी मटर। सबसे पहले हमें दलिया को अच्छे से वॉश करना है ताकि जो भी गंदगी हो दलिया में वो निकल जाए, और उसके बाद हमें करना है उसे रोस्ट। तो दलिया रोस्ट करने के लिए लिया है मैंने एक पैन, और उसमें मैंने दलिया डाला है, और अब हमें उसे धीमी आंच पे तब तक चलाना है जब तक कि इसका कलर चेंज होके लाइट पिंक ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से रोस्ट हो गया। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक कुकर, और उसमें मैंने डाला है 2-3 टीस्पून ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो अब मैं उसमें ऐड करूँगी एक चुटकी हींग और 1 टीस्पून अनियन लहसुन का पेस्ट। हींग बहुत ही अच्छी होती है डाइजेशन के लिए, तो हमें अपने खाने में ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और इससे टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे 2 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून प्याज, और हम थोड़ी सी देर उसे स्टिर करेंगे। अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है हरी मिर्च, और अब हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, और उसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटोस। अब वापस से हम थोड़ा सा इसे चलाएंगे। थोड़ी सी देर टोमेटोस को चलाने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मटर। तो फ्रेंड्स, अगर मटर नहीं है तो भी चलेगा, बट अगर आप मटर ऐड करते हो दलिया में तो दलिया का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है पानी, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, ताकि जो मेरे मटर हैं और मेरे टोमेटोस हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और पक जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ इन वेजिटेबल्स को ताकि अच्छे से कुक हो जाएं, और इसे करीबन 2 मिनट तक ऐसे ही बॉयल करना है। अब हम यहाँ पे दलिया ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दलिया भिगो दिया था जब तक मैं ये प्रिपरेशन कर रही थी, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा कम टाइम लगता है और दलिया काफ़ी अच्छा कुक हो जाता है। कटोरी दलिया के लिए हम लेंगे 3 कटोरी वाटर। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गरम मसाला एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। बस जस्ट अब हमें कुकर बंद कर देना है और 2 विसल्स तक का वेट करना है, और उसके बाद हमारा दलिया बनकर तैयार हो गया। आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हो, आप इसको सॉस के साथ सर्व कर सकते हो, आप जैसे मर्जी इसको
सर्व कर कि बनी हुई चटनी के साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम लगता है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी क्विक एंड इजी दलिया की रेसिपी। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इन केस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।